विपिन ठाकुर जी पूछ रहे हैं IEX के बारे में बताइए बताइए सर, IEX के बारे में कुछ। देखिए, IEX में मेरे ख्याल से करीब 5 या 6 हफ्ते पहले की बात है जब स्टॉक ने 170 का एक बहुत अहम आंकड़ा ब्रीच किया था। अगर हम उस बेसिस पे, क्योंकि वो एक तरह का इनवर्स अरेंज शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट था, उस बेसिस पे टारगेट सेट करेंगे तो वो 220 रुपए के आसपास के आते हैं। तो और जो करेक्शन हम देख रहे हैं करीब 6-7 दिनों से, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जहां आप खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 154 के नीचे लगा सकते हैं। IEX पर कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। इसका हम व्यू एक बार अंशुल से ले लेंगे। अंशुल, 164 बाइंग प्राइस है। देखिए, IEX में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। 22 महीने का एक पूरा राउंडिंग पैटर्न था कंपनी जिसका ब्रेकआउट है एट द रेट 161। इन्हें बिल्कुल ब्रेकआउट पॉइंट पे खरीदा है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से बहुत आराम से स्टॉक 214 और उसके ऊपर निकलता है तो 240, ये दो टारगेट्स के साथ ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 2 से 3 महीने का समय लगेगा इनको दोनों टारगेट्स अचीव करने में।